पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से लोगों का घूमना फिरना बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन अब तेजी से कम होते मामलों के बीच लोग एक बार फिर अपनी छुट्टियां प्लान करने लगे हैं। अगर आप बहुत समय से विदेश घूमने की सोच रहे हैं तो हम आपको कुछ ऐसे देशों की जानकारी दे दें जहां भारतीय पर्यटक बिना वीजा बनाए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं श्रुति अंगद और आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल वीडियो में। चलिए आपको बताते हैं वे देश कौन कौन से हैं जहां आप बिना वीजा के भी घूम सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आपको इंडोनेशिया घूमने के लिए वीजा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ आप बिना वीजा के 1 महीने तक रह सकते हैं। इंडोनेशिया में लोगों की पहली पसंद बाली होती है। ये सबसे शानदार द्वीपों में से एक है। बाली में सैर करने के अलावा आप इंडोनेशिया में हरे भरे पहाड़, समुद्र तट, वहां की जगमगाते मार्केट का भी आनंद उठा सकते हैं। कई लोगों को एडवेंचर करने का बहुत शौक होता है तो वाटर स्पोर्ट्स के लिए पापुआ आइलैंड जा सकते हैं। लोबोक, टोबा लेक और कोमोडो द्वीप भी एक बार जरूर घूमने जाएं। मालदीव में साफ सुथरे बीच, नीले आसमान, नीला समुंदर का नजारा देखने लायक है। अगर आपको समुंदर जैसी जगहों में जाना अच्छा लगता है तो मालदीव आपके लिए सबसे परफेक्ट देश है। यहाँ आपको कई वाटर स्पोर्ट्स करने को मिल जाएंगे जैसे स्कूबा डाइविंग, अंडर वाटर फोटोग्राफी, जेट स्कीइंग आदि। मालदीव में पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले वीजा दिया जाता है। इस वीजा पर आप 30 दिन के लिए वहाँ ठहर सकते हैं। मालदीव में देखने के लिए बहुत कुछ है। आप सबसे पहले माले द्वीप जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आर्टिफिशियल बीच, नेशनल म्यूजियम, सुनामी म्यूनमेंट जैसी जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ का बॉर्डर विला भी बहुत मशहूर है। मॉरिशस में आपको साफ सुथरे समुद्र, समुद्र के किनारे की खूबसूरत पहाड़ियाँ और इन पहाड़ियों के बीच से निकलती समुद्र की लहरें यहाँ की प्रकृति को दर्शाती है। मॉरिशस जब भी जाए तो वहाँ के वाटर स्पोर्ट्स का मजा जरूर ले। यहाँ की 7 रंगों वाली जमीन बेहद फेमस है। कुछ एडवेंचर करने के लिए वहाँ की लोकप्रिय जगह एल कैम्बूस और आइल ऑक्स सर्फ या ट्रू ऑक्स आइलैंड जाना ना भूले। मॉरिशस में पहुँचने के बाद आपको सबसे पहला वीजा दिया जाता है। इस वीजा पर आप 60 दिन के लिए वहाँ रह सकते हैं। अगर आप ऐसे विदेश यात्रा ढूंढ रहे हैं जहाँ खर्चा कम हो तो भारत का पड़ोसी देश नेपाल आपके लिए एकदम सही जगह है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है जो विश्व के प्राचीन शहरों में गिनी जाती है। नेपाल के पोखरा में आपको कई झीलें देखने को मिल जाएगी। ये छोटा सा देश हिमालय के पहाड़ों से घिरा है जहां आप एडवेंचर से लेकर प्रकृति का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। आप नेपाल में पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ जैसे ऐतिहासिक मंदिर देख सकते हैं। नेपाल का लुम्बिनी एक बौद्धिक स्थल है। यहाँ गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ था। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू धर्म का प्रमुख मंदिर है। नेपाल जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं और न वीजा की। भारतीय पर्यटक सिर्फ एक फोटो पहचान पत्र के साथ पूरा नेपाल घूम सकते हैं। वहीं हम हिंदुस्तानियों के लिए फिजी जैसा देश घूमने के लिए शानदार है क्योंकि इस देश में फिजियन हिंदी बोलने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। यहाँ आपको भारतीय मूल के लोग काफी दिख जाएंगे और यही वजह है कि ये जगह भारतीय पर्यटकों को खूब पसंद आती है। यहाँ आपको खूबसूरत रिजॉर्ट, अनोखे गांव और यहाँ के मेल भाव से रहने वाले लोग आपके ट्रिप को यादगार बना देंगे। फिजी में घूमने लायक जगह जैसे सुवा फॉरेस्ट पार्क, फिजी म्यूजियम, गार्डन ऑफ स्लीपिंग जाइंट आदि है। फिजी में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले वीजा दिया जाता है। इस वीजा पर आप 120 दिन के लिए वहां ठहर सकते हैं। आप इन सभी देशों में से किस देश में सबसे पहले घूमना चाहोगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।